ये बीच में लग गया हमारा डाइनिंग टेबल, सबके छोटे छोटे टेबल मतलब, और खाना बन चुका है बढ़िया एकदम। तो भाई कुछ ज्यादा ही लग्जरी हो गई है प्लेट तो। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो अभी देखिए हम एक बढ़िया सी लोकेशन में है, एकदम मस्त नज़ारे हैं एकदम बढ़िया। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 3 बज गए होंगे शायद, है ना, चार बज गए। अरे 4 बज गए, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें जो है हमें जाम लगा हुआ था पीछे बहुत खतरनाक। तो देखिए पीछे से बसें गाड़ियां एकदम भूं भूं करके दौड़ती हुई आ रही है। तो चलिए हम भी फटाफट निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो ये सब, ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। ओ तेरी, इतनी ज़्यादा स्पीड पहली बार देखी मैंने बस कितनी। कहीं इनके बीच में आ गए ना हम तो ये चटनी भी बना सकते हैं हमारी। हाँ। तो चलिए तो अभी यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और आज हम रुकेंगे किश्तवाड़ या किश्तवाड़ से आगे कहीं, जहाँ भी हमें कैंप लोकेशन मिले, अच्छी सी लोकेशन। हाँ। मिल जाए। तो पीछे हमने कैंप किया था पत्नी टॉप से ऊपर नत्था टॉप में, और लास्ट वीडियो तो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना यार। तो हमारा प्लान है यहाँ से किश्तवाड़ जाते हुए और सिंथन टॉप होते हुए कश्मीर एंटर करने का। तो देखते हैं वो पॉसिबल होता है या नहीं। तो लोग बता रहे हैं कि 2-4 दिन पहले खुला था लेकिन जाना अलाउड नहीं कर रहे थे पर टूरिस्ट के लिए। तो देखते हैं, अभी बर्फ ही है ऊपर, तो बाकी कोशिश करते हैं यार। तो अब वो रोड ख़त्म हुआ जिस पे काम चला हुआ था, और अब जो है थोड़ा सा सही लग रहा है गाड़ी चलाने को। भाई हमें चाहे पतला रोड हो, पहाड़ी आदमी हम, चाहे इससे भी पतला आ जाए रोड, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई ख़राब नहीं होना चाहिए। खराब भी ऐसा पूरा खराब हो तो भी हम मान लेंगे यार पूरा खराब रोड है, 50 किलोमीटर कोई नहीं चला लेंगे। अरे यार वो 200 मीटर पक्का, 400 मीटर कच्चा, 200 मीटर पक्का फिर 200 मीटर फिर कच्चा। अरे यार इतने खजल हुए ना, बहुत ज्यादा खजल हुए, मतलब जैसे ही गियर डाला तीसरा चौथा वो ऐसे ही खराब आ जाता है। और शाम के बज चुके हैं 4:30 और अभी हमें अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिली है, लेकिन एक फायदा है कि अपना सागर भाई निकल गया आगे। हाँ। क्योंकि जब ट्रैफिक लगा था तो वो मतलब हमसे 100 मीटर आगे था, और 3-4 गाड़ियां, मैंने बताया ना 3-4 गाड़ियां पीछे ही हमें रोक लिया था और वो निकल गए थे आगे, तो 1 घंटा आगे हमसे। तो वो जो है लोकेशन देख लेंगे और हमें फिर लोकेशन भेजेंगे, तो हम डायरेक्टली सीधा वहीं पर पहुंच जाएंगे भाई, ये एक फायदा रहेगा। फिलहाल तो नहीं मिली है लेकिन जब मिलेगी तब पता लग जाएगा। ये देखिए अब इधर फिर खराब आ गया, वो वही कहानी शुरू तो नहीं होगी फिर से, लग तो वैसे ही रहा है। ये देखिए रोड याक घूम रहा है, ये देखो क्या हाल है, याक ऐसा लग रहा है इसको, याक दिख रहा है वहाँ, पूरी पूंछ वैसी है। अच्छा ओ माय गॉड, विंडशील्ड देखो कैसी होगी, धूल धूल यार, बहुत ज्यादा मिट्टी है इस रोड में। वाह अब आए नजारे जरा सामने के। तो अभी अभी हमें गुड न्यूज मिली है कि जिस रूट से हम पहलगाम जाना चाहते थे वो हो चुका है बंद, जो सिंथन टॉप है, सिंथन जो टॉप है वो बंद है। और वैसे खुल गया था वो, एक दो दिन पहले वो खुला हुआ था लेकिन फिर से बर्फ पड़ गई है, तो आर्मी वालों ने उन्होंने बताया कि 10-15 दिन के लिए फिर से वो बंद हो चुका है, तो वहां से अब नहीं जा सकते। तो अभी हम जा रहे हैं, सागर भाई को मिल चुकी है एक अच्छी सी लोकेशन, वहां पे जा रहे हैं और आज हम वहां करेंगे कैंप, और कल फिर से वापिस हम वहीं से जिस रोड से आज आए हैं उसी रोड से वापिस जाएंगे। डोडा, मेरा तो सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमने सोचा था डोडा नहीं जाएंगे ना, वो रामबन होते हुए नहीं जाएंगे। हाँ लेकिन वहीं से जाना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए चलते हैं अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं और फिर अपना सेटअप करते हैं, तो वहीं जाके मिलते हैं अब आपसे। वाह यार कितना सुंदर है किश्तवाड़ भी, बहुत ही बढ़िया है। मेन बाजार से आगे निकले हैं और एकदम चारों तरफ खाली खाली एरियाज दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है और प्लेन एरिया है पूरा का पूरा। और सामने ऊपर दिख रहा है सिंथन टॉप, लेकिन अभी पेड़ आगे, सिंथन टॉप नहीं मतलब पहाड़ दिख रहे हैं, शायद वही होगा उधर लेफ्ट साइड में ऊपर। काफी बड़ा शहर है, मतलब काफी ट्रैफिक था बीच में। ये वो पेड़ है ना, कौन सा, क्या नजारे होते हैं इसमें। हाँ जब ऑटम में आओगे तो बहुत सही लगता है। वो देखिए सामने पहाड़ दिख रहा होगा आपको, मुझे तो लग रहा है कि वहीं कहीं सिंथन टॉप होगा, अब पक्का पता नहीं है भाई, जो भी पहाड़ दिख रहा है उसी को बोल रहे हैं हम टॉप सिंथन टॉप। वाह जी वाह, मस्त लगी यार जगह तो मुझे, अच्छा वहां आया है ना। हाँ। मुझे तो बहुत सही लगी, हम रास्ते में रुकने वाले थे। हाँ।
ये सुन के कि वापस जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सही है, मतलब एरिया जो है ना बहुत बहुत सुंदर है। चलो कुछ ना कुछ फायदे हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, आधा घंटा लगा ज्यादा हमें आने के लिए। मतलब ये सुन के वापस जा रहे थे पीछे से कि आगे जो है बंद है रास्ता। बाकी फिर सागर भाई को आगे एक लोकेशन मिल गई कैंप करने के लिए, तो उन्होंने बोला आप आगे आ जाओ। फिर हमें पीछे भी मिल गई थी, तो फिर पीछे हमारी लोकेशन इतनी अच्छी थी नहीं, तो हमने सोचा चलो आगे जाते हैं और देख भी लेंगे भाई किस्त बार कैसा है। जैसे कश्मीर में टूरिज्म है वैसा मुझे दिख नहीं रहा है, बाहर की गाड़ियां तो है ही नहीं, हमारे अलावा मैंने देखी नहीं कोई गाड़ियां। बाकी होटल्स भी कम ही है, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये घर ही है, और अभी तक मेरी नज़र में तो आया ही नहीं कोई होटल। ये है क्या है ये? अच्छा ये भी नहीं है, फर्नीचर हाउस है ये तो यार। तो पता नहीं, मतलब मुझे नहीं है पता आइडिया कितना टूरिज्म है इधर, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा शायद। वाओ ग्रीनरी। तो यहाँ से एडवेंचरस जो बंदे होते हैं जिनको बाइक राइड करनी हो या कुछ भी सिंथ एंड टॉप से, या मतलब जो एडवेंचर ज़्यादा पसंद करते हैं वही लोग आते हैं, और बाकी टूरिस्ट तो सीधा कश्मीर ही जाता है सीधा सीधा डायरेक्ट। कितना सुंदर गांव है ना। हाँ। बंदे यहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं, बढ़िया। वाओ यार बहुत ज्यादा सुंदर है भाई ये तो। यार बहुत सही डिसीजन था ना। हाँ। अच्छा यार आगे बहुत ही मस्त लोकेशन है यार, और रोड एकदम मक्खन। इतना गंदा रोड क्यों था साला पहले, इधर इतना बढ़िया रोड बना हुआ है। वो देखो क्या ऐसा स्विट्जरलैंड लग रहा है भाई, बिल्कुल एक नंबर। और इस आगे वाले रोड से सुबह वॉक करने जाएंगे। और ये पेड़ देखो भाई, कौन से पेड़ है बता आप नाम इनका? ये तो देवदार है। नहीं देवदार नहीं, ये पहाड़ी लड़की है, इसको ज्यादा नॉलेज है। वही है ना काइली। इन 300 मीटर्स टर्न लेफ्ट। हाँ टर्न लेफ्ट। हाँ your destiny। तो देखिए जी ये रही हमारी आज की डेस्टिनेशन, जगह तो बहुत सुंदर है। देखिए भाई इधर भाई ने पहले आके अपना कुकिंग सेटअप भी लगा दिया है, ये चीटिंग है भाई। और ये आपसे बातें कर रहे, बातें करो ना इनसे पड़ोसियों से। ये बोल रहे हैं कुछ सुनो। अच्छा ये आवाज ये डाल रहे, तो क्या बन रहा है आज? आज राजमा चावल। अरे वाह मेरे फेवरेट, खिलाओगे ना? हाँ ठीक है। हाँ चलो आप बच गए ना, आप ठीक नहीं, आपको तकलीफ नहीं दी ना इन्होंने गाड़ी में। ठीक है। अरे मान जा नागमणि लेगी तू भी। ये लग गई हमारी गाड़ियाँ, तो देखते हैं कैसे कैसे लगानी है, सोचते हैं। हेलो भैया भी फुल मजे ले रही है। आ जा यहाँ आ जा, देखो देखो इसको। ये भागी भागी भागी। चलो भाई मजा आया, यहाँ चारों तरफ लोग भी है। देखिए क्या मस्त लोकेशन मिली है, नीचे घर है, और घर नहीं शायद भाई बता रहे थे कुछ होम स्टे है, और बाकी ये एरिया है। यहाँ हमने नीचे उतार दिया गाड़ियाँ, बहुत ही सही है यार, बहुत ही मस्त लोकेशन है। चलिए हम भी अपनी गाड़ी लगाते हैं, फाइनली लास्ट में लगाएंगे वो बीच वाले खेत में लगाएंगे। तो अब हो गई हमारी तीनों ही गाड़ियां सेट, एक गाड़ी ये सेट हो गई, दूसरी अपनी यहां पर हो गई, और तीसरी। और मौसम गर्म है भाई, बढ़िया है। देखो मैं नंगे पांव खड़ा हूँ, घास में चलने का मजा आ रहा है यहाँ पे तो। अच्छा कांटे भी हैं नीचे, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, मतलब बहुत ही मस्त, एकदम बढ़िया। हाँ ना गर्मी है ना सर्दी है, बिल्कुल सही है। तो कुक्कू बिल्कुल मतलब आते ही सीधा किचन खोल के एकदम से कटिंग शटिंग करने रेडी है। तो सबसे पहले पूछते हैं भाई क्या बनेगा आज? बनेगा मिक्स वेज। वैसे तो मैंने बैंगन का भरता बनाना था, लेकिन अभी हो चुके हैं लेट, क्योंकि कहाँ लेट, बहुत टाइम है। बहुत टाइम है हाँ, तो बनाए, बना लेते हैं।
मिक्स वेज का मजा आना था। सब्जियां भी खराब हो जाएगी ना, गोभी हाँ। मटर खराब हो जाएंगे। हाँ चलो मिक्स वेज ही बनाते हैं। मैंने इसको बोला था मत ले बैंगन, हम सब्जियां बना लेंगे, तो सब्जियां ली हुई है और बनाई है नहीं अभी। चलो काटो, मटर ज्यादा, गोभी ज्यादा, बैंगन भी ज्यादा, आलू कम डालना क्योंकि आलू खराब नहीं होंगे ना। ठीक है चलो बनाओ, और साथ में चपाती ना, आटा है इतना। चलो पड़ोसियों से मांग लेंगे, पड़ोसी बहुत है हमारे साथ। तो क्या बन रहा है, चाय बन रही है पहले? चाय बन रही है, और हमारे जो पड़ोसी नीचे वाली जमीन में थे उन्होंने हमारी जमीन में कब्जा कर लिया है, उन्होंने ऊपर वाले हमारे खेत में कब्जा कर लिया। अब चलो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब पड़ोसी हम नज़दीक नज़दीक हो गए सभी। मज़ा आ रहा है लेकिन भाई, लोग देख रहे हैं ऐसे कि क्या हो रहा है इधर, कौन सी शूटिंग चली हुई है, कर क्या रहे हैं ये ये सोच रहे होंगे पागल पोगल हैं कुछ गाँव वाले। चलो कोई बात नहीं, अभी टेंट खोलेंगे तो फिर और ज्यादा भीड़ लगेगी। तो ये है कुछ लोकेशन, एक बार 360 घूम के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, वाह क्या सही लग रहा है दूर से, तीनों गाड़ियां एकदम बीच में बैठ सकते हैं भाई, बढ़िया एकदम बढ़िया, वाह नज़ारे। ऐसे घूमते हैं मतलब सारी साइड से, मैं एक बार व्यू दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या लोकेशन पे हम रुके हुए हैं, मस्त एकदम। तो ये थोड़ी सी आगे है, किसी के खेत थे ये, भाई ने पूछ के मतलब बोला उन्होंने कि लगा दो। तो ये किश्तवाड़ से शायद हम 3-4 किलोमीटर आगे आए होंगे, बाज़ार से ख़त्म होते नीचे उतरता है रोड। ये सिंथन ही जा रहा है ना रोड, ये सिंथन टॉप वाला रोड है ये, जो यहाँ से गाड़ियाँ चली हुई है ये वाला। चाय इज गुड, मज़े ले रहे चाय के इन वादियों में। चॉपिंग हो गई? तो भाई चॉपिंग हो गई और कटिंग भी हो गई, और इसने मेरे से कुकर धुलवाया, बहुत गलत काम किया। कुछ किया मैंने तो, अभी इतना सा तो कर सकते ही हो आप। अच्छा भाई, 2 दिन से बर्तन मैं ही धो रहा हूँ, अब ऐसा ना पूरी ट्रिप में मैं ही धोता रह जाऊँ, कल से कुकिंग मैं करूँगा ठीक है? नहीं मुझे आपकी कुकिंग। एक भाई इधर खूब टशन मारते हुए धूम चाले, बाप रे, ओ माय गॉड, छोटा सा लड़का है, मस्त भगा रहा है बाइक। तो चलो हम तो करते हैं कुकिंग, और साथ में मैं ऐसा करता हूँ टाइम लैप्स लगाता हूँ और रूफ टॉप टेंट भी खोलता हूँ। टाइम लैप्स नहीं, ऐसे ही रखता हूँ यार, टाइम लैप्स अच्छा बनता नहीं, अंधेरा भी हो गया अब थोड़ा सा। ओ चीड़ू गए, चीड़ू चिड़िया उड़ी तो वहां पर हो रही है कुकिंग, और मैं साथ में जो है टेंट खोलता हूँ। देखिए टेंट खुल चुका है, टेंट खोलने में मेरे ख्याल से 1-2 मिनट लगे होंगे, बाकी आपको भी पता लग गया कितनी देर लगती है। अब इसमें हुक्स लगेंगी, उनमें लगेंगे कम से कम 4-5 मिनट, क्योंकि 2 हुक्स फ्रंट पे लगेंगी, 2 बैक में, 2 इधर, और 8 हुक्स लगेगी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उनमें, तो 5-7 मिनट उनमें लग जाएंगे। तो चलिए वो लगा लेता हूँ, बाकी उतना दिखाऊंगा तो फिर एक तो ब्लॉग ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा मेरा बाकी इधर तड़का लग गया है, लग नहीं गया है, लग रहा है। चलो बढ़िया, अभी लाइटिंग वगैरह की ज़रूरत है नहीं, लेकिन 20 मिनट में शायद ज़रूरत पड़ जाएगी, तो लाइटें वगैरह भी लगाते हैं। और सुबह मैंने पावर बैंक का रखा, वो भी नहीं पता, वो भी ढूंढता हूँ टेंट में है या नीचे है, कहाँ है, लेकिन टेंट लगता मस्त है यार। अभी हुक्स लगाता हूँ, फिर देखो कैसा मस्त लगेगा। ये देखिए टेंट हमारा लग चुका है, और क्या मस्त लग रहा है। एक बार आपको ना मैं ऊपर से चल के दिखाता हूँ कि कैसा लगता है ये टॉप से, बहुत सुंदर लग रहा है यार, ऊपर से तो बहुत ही सही लग रहा है। ये देखिए अब मैं थोड़ा ऊपर आया हूँ, अरे एक साइड का मैंने वो लगाया नहीं, इसकी छत जैसी इधर है वो वाली इधर लगाई नहीं, तो चलो यहाँ से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखो ये टॉप व्यू है, ऐसा ही चारों साइड से लगेगा, मतलब चारों तरफ इसकी खिड़कियाँ हैं, और अब अंधेरा हो रहा है यार, लो लाइट है,
तो सुबह फिर दिखाएंगे आपको। लाइटें लग चुकी है और खाना भी ऑलमोस्ट बन ही गया है। अभी कहाँ भी तो आटा गूंदना है। हाँ देखिए क्या मस्त ग्रेवी बनी है। वाह सीख गई तू मेरे साथ रह के खाना बनाना। अरे वाह है ना। ये देखो भाई कुक्कू आटा गूंद रही है और हाथ में ही रख के लग गई है। पर थोड़ा सा आटा बचा हुआ था और थोड़ा सा गूंदा तो ज़्यादा। ये बहुत फास्ट है, ये 2-3 मिनट में ये आटा गूंद लेती है भाई। ऐसी वैसी लड़की नहीं है ये, है ना। बहुत खतरनाक हल्के मैंने लियो। तो मैं सोच रहा हूँ अब कुछ टाइम कुक्कू ट्रैवल नहीं करेगी तो मेरा क्या होगा। सुनील भाई की तरह आल होंगे मेरे भी। ट्राईपॉड लगाना पड़ेगा, कैमरा लगाना पड़ेगा, फिर कुकिंग करनी पड़ेगी। ऐसे मिल बांट के हो जाते हैं काम सारे। तो यहाँ पर चपाती बनना हो गई शुरू और कुक्कू बेल रही है ऊपर और यहाँ नीचे जो है चूल्हा जला हुआ है। तो यहाँ पर मेरा काम है सेकने का। तो चलिए भाई, अभी तक मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा था लेकिन ये मुझे करने नहीं देगी। तो पहले खाना ही बना लेते हैं यार, बाकी काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि वहाँ राजमा चावल रेडी हो चुके हैं। साथ में खाएंगे, साथ में खाने का मज़ा आता है। तो फटाफट सेकते हैं चपातियाँ और फिर करते हैं भाई डिनर अपना। तो ये बीच में लग गया हमारा डाइनिंग टेबल, सबके छोटे छोटे टेबल मतलब, और खाना बन चुका है बढ़िया एकदम। चलो एक कैमरा सेट करते हैं। सब्जी तो रेडी है इधर और राजमा चावल भी रेडी हैं भाई के, बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मटर पनीर कब आएगा बस। सच में भाई ये देखिए, मटर पनीर, मिक्स वेज और राजमा, शादी का मेन्यू है सच में। ये देखो भाई ये है आज का सेटअप हमारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सेटअप लग रहा है। ये देखिए, अरे वाह यार, भाई ने जो लाइट लगाई है ना, दांसू लाइट लगाई है, वाह जी वाह, ये तो कुछ ज़्यादा ही लग्जरी हो गया है। तो भाई मुंह में पानी आ रहा है, कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी आइटम खाऊँ। तो भाई कुछ ज़्यादा ही लग्जरी हो गई है प्लेट तो। हेलो भाई, वो बनाना पनीर टिक्का। हाँ। आज तो काटने से पहले बिखरा हुआ था। तो खाना खा के हो गए हम लोग फ्री टोटली और पैकिंग भी कर दी। बस ये टेबल बचा है, इसको रखूंगा मैं फ्रंट सीट में और बाकी यहाँ पर देखिए मैंने कैंपर सेटिंग तो नहीं की है, मैंने बस सामान रखने का काम किया हुआ है जस्ट। और ये सारा का सारा रख दिया, कैंपर को भी कैंपर की जगह ही रख देंगे या सीट पे ही रख देंगे। और अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, एडिटिंग वगैरह कुछ तो करते हैं क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है, एक नंबर मौसम है भाई। बाकी बिस्तर हमारा बन गया, बस कंबल बची है बिछाने को, मतलब सोती बारी बिछा लेंगे वो तो जब भी घुसेंगे अंदर। मज़ा आ गया भाई आज कैंप करके, बहुत ही बढ़िया लोकेशन थी और बहुत ही बढ़िया मौसम है यहाँ पे, और बहुत ही टेस्टी खाना मिला। खाना भी हाँ बहुत टेस्टी था। हाँ, पर आज टेस्टी के चक्कर में मैंने ज़्यादा नहीं खाया, नहीं तो मैं रोज़ ज़्यादा खाता हूँ। तो भाई सभी चले गए गाड़ी में अपनी अपनी, तो हम भी चलते हैं। मैंने भी अपनी गाड़ी बंद कर दी, लॉक भी कर दी और सामान रख दिए सारे अंदर। और उधर भी गाड़ी पैक हो चुकी है, उधर सुनील भाई, गुड नाइट भाई। हाँ चलो घुसते हैं गाड़ी में। और यहाँ पर कुक्कू जो है वो भी सो गई है, पर फ़ोन की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कुछ तो कर रही है फ़ोन को। तो दोस्तों आज की कैंपिंग हो गई डन और अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर सोने के लिए। कुक्कू जो है पीछे सो चुकी है और ये देखिए अभी टेंट दिख रहा होगा आपको अंदर, अपना सब कुछ हो गया है रेडी, बिस्तर वगैरह। तो अभी चलते हैं अंदर। और आज ठंड वगैरह तो कुछ ज़्यादा है नहीं खास, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब आज आपको एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होने वाला है। मौसम बढ़िया एकदम, थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से 15-16 डिग्री होगा जैसे हमारे घर में होता है बीड़ में, वहाँ तो वैसा ही लग रहा है कुछ मुझे आज, तो काफ़ी बढ़िया है। तो ये देखिए ये बढ़िया एकदम से पैक हो गया और ये कुछ इस तरह का लग रहा है भाई अभी।
घर अपना। और तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक में देख रहे हो ना तो फॉलो जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर वगैरह भी कर देना। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में तो आपको बता ही दिया है, अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। ऊपर जो पास है वो तो बंद है, सिंथन टॉप। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है, कल ट्राई मारेंगे, जो भी होगा कल ही बताएंगे आपको। तो चलिए सुबह तक के लिए टाटा बाय बाय।